हाय फ्रेंड्स, अभी इस वक्त मैं कल्याण चला जा रहा हूँ और तलोजा MIDC रोड पे हूँ और मैं आधे घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ और एक छोटा सा अपना यूट्यूब फैमिली का लड़का है जो वीडियो भी देखता है और मजा भी कर रहा है। हाय करना सबको। आपका नाम बताओ। गौरव 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 गर्विक। अच्छा, गर्विक पांडे। कहाँ जा रहे हो अभी? शांतनु कल्याण में ना? हाँ। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है यूट्यूब देखना? यस। कल आ जाओगे यूट्यूब पे, चलेगा? यस। तो ऐसा कुछ है। और सर कैसा लग रहा है आपको? अब जा रहे हैं, आज बारिश नहीं है, दो तीन दिन से बहुत बारिश थी। अच्छा लग रहा है, शांत एकदम, रोड खाली है, रोड खाली है, ट्रैफिक नहीं है। आप कल्याण में रहते हो ना? यस। और कामोटे में आए थे कुछ टाइम के लिए, एक दो दिन थे कि फिर जस्ट मिलने के लिए कल आए थे सिस्टर से मिलने, आज जा रहे थे। हाँ, तो ठीक है, जरा एक बार फिर से बाय बोल देना। बाय बोल। और क्या बोलते हैं चैनल को, क्या कीजिए? सब्सक्राइब बोलो, फॉलो और सब्सक्राइब। चलो फ्रेंड्स, आपको मिलता हूँ अभी कल्याण में, पैसेंजर को ड्रॉप करके फिर थोड़ी देर के बाद आपसे अगला अपडेट देता हूँ आप लोगों को। चलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी कल्याण में हूँ, खड़कपड़ा में पैसेंजर को ड्रॉप किया। कल्याण खड़कपड़ा में मुझे यहाँ पे आने के लिए 1.5 घंटा लग गया, 41 किलोमीटर का राइड था और मैं मेरे घर से 5 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट था, 4 किलोमीटर का, तो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे गया, पिकअप किया और ड्रॉप कर दिया। और अच्छे कस्टमर थे, अच्छा बातचीत कर रहे थे मेरे साथ बहुत सारा, उन्होंने डिस्कशन किया कैसे करते हो, क्या करते हो, काम क्या करते हो, कितना टाइम काम करते हो। बाद में यूट्यूब के बारे में पूछा कैसे कब टाइम निकाल पाते हो सब कुछ। मैं बोला घर जाने के बाद फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर आपके बाद वीडियो अगले टाइम पे डाल देता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि हाँ मेरे साथ भी वीडियो बनाओ, तो मैंने उनका परमिशन लेके वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे आने के लिए 1.5 घंटा लग गया, तो 1 घंटा मुझे 913 रुपये का बिल बनाया और 678 रुपीस मुझे अर्निंग दिया 40 किलोमीटर की, तो बहुत ही अच्छा मिला है। और भी मिलना चाहिए था पर इतना अच्छा नहीं अमाउंट मिला। पर जो भी, अभी यहाँ पे बैठा हूँ, एक बुकिंग आगे गई थी बदलापुर की, पर मैं 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा था तो थोड़ा रेस्ट करने का सोचा, फिर आगे बढ़ूँगा ऐसा मैं सोच रहा था। तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब आएगी और कहाँ की आएगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो एंड तक देखना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे। चलो, अभी मुझे एक बुकिंग लगी है, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। एरिया का नाम कुछ मुझे ठीक से पता नहीं चला, अम्बोली कुछ दिखा है, अम्बोली या क्या है समझ में नहीं आया, पर जो भी है अभी बिजनेस करना है, धंधा करना है तो जाना तो पड़ेगा, पैसेंजर को पिकअप करना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कहाँ की बुकिंग होगी। है अच्छी कोई बुकिंग होगी तो अच्छा ही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे पिकअप पॉइंट, थोड़ा खराब रास्ता है, बहुत ही गड्ढे हो गए यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि बारिश की वजह से अभी भी यहाँ पे ना नया डेवलपमेंट चल रहा है एरिया में, तो ठीक से रोड बने नहीं है। रोड ठीक से नहीं बनने के कारण क्या होता है कि बारिश होती है तो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे होने के बाद प्रॉब्लम होता है गाड़ी चलाने के लिए। तो अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। चलो आपको गड्ढे दिखा देता हूँ।
ऐसे गड्ढे हैं, आपको दिखता ही रहेगा। बहुत स्लो स्लो गाड़ी जा रही है, बहुत ही स्लो गड्ढे में, गड्ढे के कारण से बहुत दूर धीरे 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 जाना पड़ रहा है। अगर थोड़ा भी कहाँ पे गड्ढे में फंस गई गाड़ी या फिर लग गई गाड़ी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एरिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है करके, इस तरफ पहली बार आ रहा हूँ तो पैसेंजर को पिकअप करने के बाद आपको मिलता हूँ। चलो मैं अभी अपने पार्किंग में गाड़ी लगा के आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई खास बिजनेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे हुआ। काम तो करना चाहते हैं पर काम नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कल्याण में ड्रॉप किया पैसेंजर को, उसका 680 रुपया मुझे मिला था। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद एक मुझे और एक बुकिंग लगी। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंचा तब मुझे पता चला, वो सामने से आए, वो बोल रहे कि कार आ गई क्या। बोला यार इन्होंने ऑटो बुक की रहेगी, और वो कंफर्म हो गया उन्होंने ऑटो ही बुक की। उसके बाद वो कैंसिल किया मैंने बुकिंग, और कैंसिल मतलब 5 मिनट रुकने के बाद कैंसिल कर दिया। उसका 33 रुपीज़ मुझे मिल गया। फिर वहाँ से कोई बुकिंग नहीं आ रही थी कल्याण से, तो मैं मेन खड़कपाड़ा से निकल के मैं रोड पे आया खड़कपाड़ा के। उस रोड से आने के बाद मुझे उबर की मुमरा की बुकिंग लगी। तो मुमरा मुझे पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे दिख रहे थे, पर जैसे मैं आगे चलता गया तो और भी टाइम बढ़ते गया। और शिरफाटा से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैप ने एक नया रूट दिखाया मुझे जो कि रुनवाल सिटी, जो नया एरिया बिल्डिंग बन रहा है उसके अंदर से दीवा से लेके मुमरा मैंने ड्रॉप कर दिया। उसमें कुछ 1.5 घंटे लग गए मुझे सिर्फ 23 किलोमीटर के लिए, और कुछ खास अर्निंग नहीं दिया उसका, 580 रुपया दिया। उसके बाद मुझे मुमरा में रुकने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी ना वहाँ पे रुकने में, और गाड़ी खड़े करने में भी जगह नहीं होती। तो वहाँ से निकल के मैं कोपर खेनर आया, कोपर खेनर में खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद मैं ऐप ऑन करके बैठा, प्राइम बुकिंग कुछ लगी क्या, प्राइम बुकिंग नहीं लगी मुझे। तो फिर मैंने थक हार के चलो गो होम का फीचर डाल देते हैं, तो गो होम का मैंने डाल दिया। तो तब जाके मुझे एक मिनी में नेरुल की बुकिंग लगी जिसका मुझे बहुत कम मतलब 10 रुपये के हिसाब से बिल बनाया, 110 रुपये दिया गया है। और वहाँ से मैं हाईवे पे आया, नेरुल ड्रॉप करने के मैं हाईवे पे आया। वहाँ से मुझे एक ने लिफ्ट मांगी मुझे, तो मुझे मैंने को कामोठे में ड्रॉप कर दिया एक को। तो वहाँ से मैं अभी एमटी आ गया हूँ, तो टोटल मिला के 1500 रुपये तक का अर्निंग हो गया है मेरा टोटल, बहुत ही कम हुआ। आज भी घर के कुछ काम ऐसे थे कि मैं निकल नहीं पाया जल्दी, मतलब कुछ घर के भी काम होते हैं ना वो पूरा करना होता है, वरना वो नहीं करेंगे तो भी अपने को अपन उसमें से भी टाइम नहीं निकल पाएंगे अपने ये काम के लिए। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आज सुबह मैं निकल नहीं पाया, सीधा शाम को 4 बजे गाड़ी निकाली। उसके बाद सिर्फ मेरे 3 ही ट्रिप हो गए, और मैं सच बोलना चाहता हूँ, झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो भी आपके सामने 3 ही ट्रिप में सिर्फ 1500 रुपये का अर्निंग हुआ है, और गाड़ी जो चली है मेरी मैं आपको बताना चाहूँगा, 102 किलोमीटर मेरा दिखा रहा है ग्राउंड, मेरा ट्रिप मैंने कवर किया है 102 किलोमीटर में 1500 रुपये का अर्निंग हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। और ऐसा ना हो इसका मैं बहुत बड़ा ख्याल रखूँगा, क्योंकि ऐसे रोज इतना कम अर्निंग होगा तो कैसे चलेगा ना। तो उससे मैं अभी अपने
अच्छा से अच्छा अर्निंग करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होते ही रहता है, कभी बेनिफिट कभी लॉस होता ही रहता है, अपना धंधा ऐसे ही है। क्योंकि इसका एक ही कारण है, बारिश। बारिश की वजह से एक तो लोग जल्दी घर पे चले जाते हैं, दूसरा कारण है कि अपना एरिया छोड़ के किधर बाहर नहीं जाते, सुबह के टाइम ही जाते हैं, बाकी के दूसरे टाइम पे उनको मतलब बाहर निकलने में, क्योंकि अभी तक आदत नहीं हुई किसी को बारिश में घूमने की। मतलब होता है ना, कुछ दिन ऐसे होते हैं ना बारिश के, तो कोई घर पे बिताना चाहता है, क्योंकि गीला होना, कपड़े ख़राब होना, उनकी आदत नहीं होती है लोगों को, तो थोड़ा दिन मतलब उनको आदत होने में टाइम लगते है, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ने के बाद ये यूज्ड हो जाते हैं बारिश के लिए, फिर कौन से भी टाइम पे आना जाना चालू हो जाता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।